तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ बादाम लिए हैं, ये कोई 15-20 बादाम है, इन्हें मैंने एक कटोरी में ले लिया है और मैं इसमें पानी डाल दूंगी और अच्छे से इसमें इनको डुबो देना है। इन्हें हमें रात भर भिगो कर रखना है और अगर आप चाहें तो 6-7 घंटे भी इसको भिगो कर रख सकते हो, तो ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने जितने भी बादाम हैं सारे छील कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे बादाम हमें इसी तरह छील लेने हैं और एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये मैंने देखो बादाम छील लिए हैं, इनका छिलका मैंने उतार लिया है और ये एक मिक्सी जार लिया है मैंने, इसके अंदर हम ये बादाम डाल देंगे और मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी ताकि इसे पीसने में आसानी हो जाए और हम इसे मिक्सी में पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें बारीक पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स मैंने एक भिगोना लिया है और गैस ऑन करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमचा देसी घी लिया है और मैंने इसको थोड़ा हल्का गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने बादाम पीसे थे इसको मैं ऐड करूँगी। सारा पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, चलाते रहना है इसको ताकि नीचे ना लगे ये, और धीमी धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बादाम भून चुके हैं, अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। ये देखिए ये घी भी छोड़ने लगा है और अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। इसको ज़्यादा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी भून सकते हो, और अगर आपको और भूनना है तो कोई बात नहीं, भून भी सकते हो। अब ये भून कर तैयार है तो मैं इसमें दूध डालूँगी। तो ये फ्रेंड्स मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। और इसको मिक्स कर देना है, ये देखिए बादाम का दूध बनकर तैयार है और इसको उबाल लूँगी मैं, सकते हो। और ये बहुत हेल्दी होता है, जिसको सर में दर्द कमजोरी थकान महसूस होती हो वो इसका ट्राई कर सकता है। इसको है ना आप है ना छोड़ना मत, नहीं तो बादाम आपके तली में लग जाएंगे, भिगोने में चिपक जाएंगे। और इसको बीच बीच में चलाते रहना है और धीमी आंच पर पकाना है। ये मेरे देखो दूध में उबाल आ चुका है और ये एकदम रेडी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हमारा बादाम का दूध तैयार है, अब मैं इसको ढककर रख दूंगी ठंडा होने के लिए।